स्टूडेंट हम बात करने वाले पूरे के पूरे 30 स्क्रैच कार्ड आपको कैसे मिलने वाले हैं। तो हमने आपको कल तो एक एक स्क्रैच कार्ड लुटवा दिया, लेकिन यहाँ पे बहुत से बंदे को कमेंट आ रहे थे कि भाई 30 स्क्रैच कार्ड कैसे करने हैं, 30 स्क्रैच कार्ड कैसे मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे। किसी का डिसमिस आ रहा है तो किसी का कुछ आ रहा है, किसी का एक्सपायर आ रहा है, तो पूरे सोल्यूशन देने वाला हूँ आपको। पूरा का पूरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखो, यहाँ पे आपको सभी को पता चलने वाले। तो हम ये स्क्रैच भी करने वाले हैं, चार स्क्रैच कार्ड मेरे पास हैं। तो अभी एक और अर्न करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे आपको करना क्या होगा और कैसे नहीं करना होगा। तो ये कल का देखते हैं 39 का प्रूफ। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिसका एक्सपायर आ रहा है, किसी का यहाँ पे डिसमिस लिखा आ रहा है, किसी का कुछ लिखा आ रहा है, तो किसी का कुछ लिखा आ रहा है, वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं एक बार भी। तो उनको करना क्या होगा पूरा जो है मैं पूरा बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यार आप एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक ओवर टुडे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेड दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को आप जरूर दबा लें, जब भी डालूंगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ ही यार इस वीडियो को सबसे पहले यहाँ पे लाइक का जो बटन है इस पर क्लिक कर लो, लाइक कर दो वीडियो को। और साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा आपसे, ज्यादा नहीं, चाहे तो आप यहाँ पे गूगल पे लिख दो यहाँ पे कमेंट में, या फिर जो है यहाँ पे नाइस वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हो गूगल पे लिख सकते हो, क्योंकि गूगल पे यहाँ पे गूगल ड्यू भी लिख सकते हो कमेंट में। तो यार जिस जिस को भी मिले ना ये ट्रिक, तो यार कमेंट जरूर करके जाओ और लाइक भी करके जाओ। तो सिंपल था, एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे कमेंट आए कि भाई डिस्क्रिप्शन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे लिखा रहता है गूगल पे तेज। अब यहाँ पे आपको एक तीर का निशान दिखता होगा, तीर के निशान पे आपको क्लिक करना रहता है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है गूगल ड्यू रिडीम स्केच कार्ड लिंक, जो कि मैंने दे के रखा है। आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक कर देते हो ना, वो आप डायरेक्ट गूगल क्रोम में या फिर आप किसी भी ब्राउज़र में जाके ओपन हो जाते हो। साथ ही यहाँ पे अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है आज तक गूगल पे एप्लीकेशन, तो उसका भी लिंक मैंने दिया है यहाँ पे, वो उस पर भी आप जा सकते हो। साथ ही टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है मैंने, आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अब करते हैं यहाँ पे ऑफर के बारे में बात। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको गूगल ड्यू एप्लीकेशन में आपने जाना है, जो कि आपने आईडी बना के रखी है। तो यहाँ पे जो आपने आईडी बना के रखी है ना आपने गूगल ड्यू में, सबसे पहले आपको जाना करना क्या होगा, यहाँ पे जाना है आपको 3 जो डॉट दिख रही है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर दोगे सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। सेटिंग का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे पूरे के पूरे आप 30 स्क्रैच कार्ड अर्न करने वालों में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो सिंपल था, यहाँ पे जो है फ़ोन नंबर लिखा रहता है, जो आपने गूगल अकाउंट यहाँ पे जो है इसमें बना बना के छोड़ दिया ना, उसको सबसे पहले यहाँ से डिलीट अकाउंट कर देना है। तो जैसे आप डिलीट अकाउंट कर दोगे, आपका अकाउंट जो है डिलीट का ऑप्शन आ गया, डिलीट हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके आपका आने लगेगा। तो आपको सिंपल था, इसे यहाँ से हटा देना है, और जो मैंने यहाँ पे लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक कर दोगे तो क्रोम ब्राउज़र में आप यहाँ पे आ जाओगे। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद, तो हम खोल लेते हैं क्रोम ब्राउज़र, थोड़ा स्लो यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप क्रोम ब्राउज़र में आ जाओगे तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लिखा रहता है रिडीम रिवॉर्ड, सेम वही प्रोसेस है जो आपने पहले किया है, लेकिन यहाँ पे आपको जो आगे करना है वो पूरा बता देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो सिंपल यहाँ पे आपको जो नंबर मांगा जा रहा है, अब यहाँ पे नंबर की सबसे बड़ी जो है यहाँ पे वही सिस्टम है, यहाँ पे आपको जो नंबर डालना है जो आपके फ़ोन में है वो डालो, लेकिन वो नया होना चाहिए जो आपने अभी तक इसमें नहीं डाला है। या फिर अगर आपको 30 बार स्क्रैच कार्ड लेना है तो सिंपल था, आपको हर बार यहाँ पे नया नंबर डालना होगा। तो यहाँ पे जो है मैं 4 नंबर डाल चुका हूँ, अपने फ्रेंड के, अपने घर वालों के, फैमिली के, किसी के भी डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उसके पास गूगल पे होना चाहिए, या फिर ज़रूरी नहीं है उसके पास गूगल ड्यू एप्लीकेशन होना चाहिए। सिर्फ आपको तो उनसे नंबर लेना है, नंबर लेने के बाद वो नंबर यहाँ पे आपको डालना है। जैसे यहाँ पे नंबर डाल दोगे, मैं बता दूँ, मैं भी डाल देता हूँ यहाँ पे नया नंबर एक। तो यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया। अब नंबर डालने के बाद आप ये भी बता दूँ मैं आपको, छोटा फ़ोन हो, बड़ा फ़ोन हो, किसी में भी हो, बस आपको तो OTP लेना है इससे, इस नंबर से। तो सिंपल है, जैसे नंबर डाल दोगे नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर दोगे तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ सेकंड रुक के, तो यहाँ पे OTP आपसे मांगेगा। अब वो OTP आपको दे देना है, उस जो नंबर डाला है इस नंबर पे OTP गया होगा। तो यहाँ पे मैं OTP डाल देता हूँ। तो जैसे ही आप OTP डाल दोगे आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा, फ़ोन नंबर वेरीफाई, मतलब आपको तो सिंपल OTP लेना है। तो जैसे ही OTP ले लोगे यहाँ पे लिखा आ जाएगा आपके सामने, बस नंबर हर बार आपको अलग डालना है, ये बात ध्यान रखनी है। जब भी स्केच कार्ड लेने जाओगे ना नया वाला, तो सिंपल था आपको हर बार नंबर जो है अलग डालना है, जो आपने इसमें रजिस्टर नहीं किया है, आपके फ़ोन में हो या ना हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तो OTP चाहिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे कुछ आपकी Gmail ID मांगी जाएगी। अब ये भी मेन चीज़ है, अब यहाँ पे जो आपको Gmail ID डालनी है ना, आपको वो डालनी है जिसमें आप ये तेज का स्केच कार्ड लेना चाहते हो। तो मैं तो हर बार उसी Gmail में ले रहा हूँ, तो आप भी हर बार जो आपकी Gmail ID है तेज ऐप के गूगल पे एप्लीकेशन की, वही Gmail ID लो यहाँ से। तो मैं खोल देता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मेरी वही वाली Gmail ID ले लेता हूँ।
फिर से यहाँ पे अग्री पे क्लिक करना है। जैसे अग्री पे क्लिक कर दोगे तो सिंपल यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा आ चुका है क्लेम रिवॉर्ड, तो प्लीज़ वेट यहाँ पे लिखा रहा है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश। तो आपको करना क्या है अब, तो यहाँ पे लिखा आ चुका है ऑलमोस्ट फिनिश, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे इनवाइट करना है। तो इनवाइट के बटन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, मेरे पास फालतू नंबर पड़े हैं, तो इनवाइट पे मैं जाता हूँ। नंबर पे जैसे आप जाओगे तो आपको व्हाट्सएप पे जाना है, व्हाट्सएप पे जाने के बाद किसी भी व्हाट्सएप पे जाके आपको किसी भी ग्रुप में कहीं भी आप शेयर कर सकते हो इसे जाके। तो यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, इसे शेयर करने के बाद यहाँ पे मैं इसे ये हो गया शेयर, शेयर करने के बाद आपको फिर से बैक आना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको दो बार इसे शेयर करना है, लेकिन एकदम ही दो बार नहीं करना है। तो बैक आते हैं, फिर से बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद आपको अब क्या करना है वो बता देता हूँ। अब जो बैक आ गए हो अब इसे बंद करना है, फिर से आपको इस ऐप को जो है देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है मेरे पास। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मेरे पास एक जो है यहाँ पे ईमेल भी आ चुकी है। तो जैसे ही ईमेल आ जाएगी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 मिनट पहले लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इंगेजमेंट रिवॉर्ड की तरफ से। तो सिंपल था ये आने के बाद, अब आपको एक बार और इस एप्लीकेशन में जाना है। मैं तो आपसे यही बोलूँगा, मैं तो हर बार ऐसे ही कर रहा हूँ देखो। तो सिंपल था ये आने के बाद फिर से आपको 3 लाइन पर जाना है और इन्वाइट के बटन पर जाना है। फिर से एक बार और किसी को जाके यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पर इसे शेयर कर देनी है। तो जैसे ही शेयर कर दोगे, ईमेल तो आ चुकी है। बहुत सो को ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि जो आप ईमेल तो आ गई आपके पास, आपको रिवॉर्ड मिला नहीं, मतलब स्केच कार्ड आपको मिला नहीं। तो सिंपल, अगर जिनको ईमेल आ गई है और उसमें नहीं मिल रहा है, तो मैं आपसे उन्हें यही बोलूँगा, जिन्हें ईमेल भी नहीं आ रही है वो एक बार इसे शेयर ज़रूर कर लें। अब जब भी आप हर बार नया स्केच कार्ड लेने जाओगे तो मैं आपसे ये बोलूँगा, हर बार न्यू नंबर डालो, किसी का भी नंबर डाल दो, फ्रेंड का, दोस्त का, जिसका भी आपको डालना है डाल दो। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास जो है 5 स्क्रैच कार्ड हो चुके हैं उसी जीमेल आईडी में, यहाँ पे लिखा हुआ है इंगेजमेंट रिवॉर्ड 5। तो अब जाते हैं हम गूगल प्ले एप्लीकेशन में अपने, तो देख सकते हैं हमें मेरे पास जो है यहाँ पे 5 स्क्रैच कार्ड हो चुके हैं। अब ये नहीं है कि आपको एकदम वहाँ से जीमेल आ गई तो आपको एक ही दम जो है आपको जो है ये मिल जाएगा स्क्रैच कार्ड। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करके देखो अपने गूगल प्ले में जाके आपको मिला नहीं मिला। अगर नहीं मिला फिर बंद करो गूगल पे को, फिर जाओ उसमें, फिर से आपको देखना है जाके मिला नहीं मिला। अगर नहीं मिला फिर बंद कर दो सालों को, फिर से ओपन कर दो, फिर से ओपन कर लो जाके। तो हम यहाँ पे हम करते हैं स्केच कार्ड, तो हम इन्हें खोल लेते हैं किस में हमें। तो इसमें मिले पहले वाले में 18 मिलने के बाद दूसरा वाला खोल लेते हैं, इसमें मिले हमें 11 खोलने के बाद अब देख सकते हैं दूसरे वाले में इसमें क्या मिलता है, इसमें मिले हैं हमें शायद 16 रुपये। तो 16 इसमें मिल गए हैं। यहाँ पे जाते हैं चौथे वाले में मिले हमें 22 मिलने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं सब इसमें भी 11 मिले हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे मुझे 5-6 स्केच कार्ड देख सकते हैं, अब 6 के 6 मैंने कमा लिए। अगर मुझे और भी कमाने हैं तो सिंपल है यार, नंबर डालो किसी का भी, पहले अपना अकाउंट डिलीट करो जो मैंने आपको बताया, अपने गूगल पे उसमें गूगल ड्यू में जाओ, जाने के बाद अकाउंट डिलीट करो। अकाउंट डिलीट करने के बाद आपको सिंपल था किसी भी एक नया नंबर डालो, लेकिन आपको हर बार आपको जाना यहीं पे होगा, आपको जो मतलब आपको हर बार लेना है अगर, तो सिंपल था आपको पहले आना होगा, फिर नया नंबर डालना होगा। नया नंबर डालने के बाद पहले अकाउंट डिलीट करो, फिर यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद नंबर डालो, किसी का भी नंबर डालो, OTP डालो, फिर नेक्स्ट का आपके पास वही प्रोसेस जो आया है वही करना है आपको। तो ये थी आज की वीडियो से पहले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।